दो फ्लेयर डालें। इसमें हम लोग 60-60 वाट का दो फ्लेयर लगाए हैं, दो HF यहाँ पे फिट करने वाले, एक मॉनिटर यहाँ पे रखा है। ये देखो स्पीकर को जितना फ्रीक्वेंसी चाहिए उतना ही फ्रीक्वेंसी इसको देंगे। उसके टर्मिनल्स भी हैं प्लस माइनस, ये देखो कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात ये है इस वाले ये सो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो अभी हम लोग कुछ दिन पिछला वीडियो में 12 बेस चेक किए थे, तो उसमें हम लोग ये वाला मॉनिटर डाले थे और ये वाला स्पीकर लगाए। ये कंपनी का स्पीकर है A+ का। तो बहुत लोगों का कमेंट था कि भाई अपने मॉनिटर के बारे में मॉनिटर का एक सेपरेट रिव्यू करो ऐसा करके, तो आज हम लोग इसका रिव्यू करने वाले हैं। तो ये हम लोगों का नॉर्मल सा ये एक हम लोग डब्बा बनाया है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा मार्केट में, ये सिर्फ हम लोगों का बनाया हुआ है, ठीक है। तो एक छोटा सा डब्बा बनाया, एक स्पीकर डालें और इसमें दो फ्लेयर डालें। इसमें हम लोग 60-60 वाट का दो फ्लेयर लगाए हैं, दो HF लगाए हैं, क्योंकि 80-80 वाट का टाइट नहीं होता, तो इसमें दो HF लगा हुआ है 60-60 का। तो अभी ये वाला स्पीकर हम लोग निकालेंगे। और ये वीडियो बनाने का मेन रीज़न ये है कि हम लोग जो स्पीकर बनाए थे ये, तो आप लोग बोल रहे थे कि इसको कैबिनेट में टेस्ट करो, कैबिनेट में डाल के अपने मॉनिटर में ऐसा करके। तो इसको हम लोग अभी इसमें चेक करेंगे, इस वाले डब्बे में डाल के, ठीक है। तो दो मॉनिटर हम लोग यहाँ पे फिट करने वाले, एक मॉनिटर यहाँ पे रखा है, ये देखो। तो दो स्पीकर है, ये वाला स्पीकर एक है, ये डब्बा है, मतलब दो कैबिनेट है। एक पेयर हम लोग चेक करने वाले हैं, ये वाले में एक भी स्पीकर टाइट करेंगे और ये वाले में एक स्पीकर टाइट करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को ये अपना हम लोग जो असेंबल किए हैं खुद का, तो इसमें हम लोग नेम थोड़ा सा चिपका दिए हैं, ठीक है। तो अपना जो असेंबल किए हैं ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आज इसका हम लोग सेपरेट साउंड चेक करेंगे। आप लोग हेडफोन लगा लेना और क्वालिटी आप लोग बताना। हम लोग यहाँ पे प्रॉपर हर चीज़ लगा के चेक करने वाले हैं। एक एम्पलीफायर लगाएंगे, क्रॉस ओवर मिक्सर, हर चीज़ लगाएंगे। इस स्पीकर को जितना फ्रीक्वेंसी चाहिए उतना ही फ्रीक्वेंसी इसको देंगे, उसके बाद ही ये सही साठ रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा नज़दीक से दिखाऊँ। तो ये हम लोगों का स्पीकर है, 12 इंच का स्पीकर है, ये देखो आप लोग, ठीक है। अब ये हम लोग ग्लू लगा दिए थे इसके ऊपर, कैप के ऊपर है। और यहाँ पे इसके टर्मिनल्स भी हैं प्लस माइनस, ये देखो। और यहाँ पे हम लोग इसमें हैवी वायर लगाए हैं, कोई लोकल वाला वायर नहीं लगाए हैं, जो कंपनी के वायर लगा के देते हैं ना वही वाला वायर हम लोग यहाँ पे यूज़ किए हैं। स्पाइडर पे भी हम लोग थोड़ा सा अच्छा वाला स्पाइडर यहाँ पे लगाए हैं, ये देखो। ये हाइट वाला स्पाइडर है, इसमें हाइट ही वाला स्पाइडर लगता है, क्योंकि नॉर्मल वाला लगाओगे तो दोनों के बीच में जगह बच जाता है, तो वो अच्छा नहीं आता, ठीक है, वो प्रॉपर फिट नहीं आता। तो ये वाला हम लोग स्पाइडर इसमें लगाए हैं। तो ये आप लोग स्पीकर देख सकते हो थोड़ा सा, और उसके बाद इस स्पीकर को हम लोग निकालेंगे और इसको इसके अंदर डालेंगे, और उसमें भी उस वाले डब्बा में हम लोग वही करेंगे, ठीक है। तो इस स्पीकर को अभी निकालते हैं, इस वाले को डालते हैं हम लोगों का खुद का असेंबल स्पीकर, और उसके बाद आपको साउंड चेक करके दिखाते हैं। तो चलिए अभी फटाफट खोलते हैं ये स्पीकर का। थोड़ा सा मैं आप लोगों को नज़दीक से लुक दिखाऊँ तो आप लोग थोड़ा सा दिखा सकते हैं इसको। यहाँ पे ये है कि हीट वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे छोटे छोटे होल्स दिए हैं, जिनसे हमारा जो कॉइल है वो जब बजेगा तो हीट नहीं होगा और ये लंबे टाइम हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात ये है। इस वाले स्पीकर में नहीं है, मैं आप लोगों को दिखाऊँ। एक स्पीकर मेरे पास है, A+ का स्पीकर है हमारे पास, तो ये देखो। तो इसमें बिल्कुल भी हीट वेंटिलेशन नहीं दिया है, ये देखो। तो कहीं ना कहीं ये हमारे कॉइल के लिए अच्छा नहीं है, तो इसको अभी साइड में रखते हैं। और एक स्पीकर और है, ये देखो, एक स्पीकर और है। तो ये हमारे पास दूसरा स्पीकर है। अभी दोनों स्पीकर को हम लोग एक एक मॉनिटर में फिट करेंगे, उसके बाद बाहर में ले जाके साउंड चेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी फटाफट फिट करते हैं
और आपको दिखाते हैं। चल सो गाइस, यहाँ पे हम लोग इसको ओपन कर रहे हैं। ये हमारा DRK कैबिनेट, ये देखो DRK जाली, और अभी इसको बाहर निकालते हैं जाली को। ये देखो ऐसा टाइट है ये, और इसमें A+ का लगा हुआ है। इसको अभी निकाल के ये स्पीकर डालेंगे, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे इसको निकाल रहे हैं, और ये वाला स्पीकर डालेंगे इसमें, एक में वो वाला स्पीकर डालेंगे, ठीक है। चलो अभी डालते हैं, और उसके बाद यहाँ पे एम्पलीफायर लगाएंगे एक, और एक क्रॉसओवर लगाएंगे, और उसके बाद साउंड चेक करेंगे। तो यहाँ पे प्लस में प्लस और माइनस में माइनस यहाँ पे कनेक्शन हो गया, और इसको अभी डालते हैं अंदर। ऐसे ऐसे घुमा डाल, इसे घुमाओ वाला कि स्पीकर ला। हाँ, जिन जिन छिदे तीन तीन में मिला डाल। और यहाँ पे एक स्पीकर इसमें लग चुका है, अभी इसमें हम लोग नट टाइट कर देते हैं, चार नट लगा दे। पूरा मिला के ही काट दिया। ये हमारा दूसरा स्पीकर, और ये देते हैं दूसरा स्पीकर। या तो यहाँ पे दूसरा स्पीकर हम लोग डाल रहे हैं, उसके बाद ये दोनों को यहाँ बाहर निकालेंगे और इधर चेक करेंगे, ठीक है। और दो तीन गाना चेक करेंगे और आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों का असेंबल स्पीकर कैसा बज रहा है आप लोग कमेंट करके हमें बताना। इसमें भी प्लस प्लस और माइनस माइनस लगाएंगे। तो यहाँ पे दूसरा स्पीकर भी टाइट हो रहा है, और उसके बाद इसको बाहर में हम लोग लगाएंगे, इधर वायरिंग वगैरह करेंगे, दो तीन गाना चेक करेंगे, ठीक है। आप लोग बताना कैसा रिस्पांस आ रहा है। ओनली दो स्पीकर, और मोहल्ला है तो ज़्यादा देर हम लोग चेक नहीं कर पाएंगे। ये देखो इधर मोहल्ला है, चार ठन बस का ना, तो ज़्यादा हम लोग चेक नहीं कर पाएंगे, दो तीन गाना चेक करेंगे बस, ठीक है। ये देखो यहाँ पे रखेंगे इधर, और इधर चेक करेंगे। तो निकाल चुके हैं, और एक मॉनिटर अभी और निकाल रहे हैं। पहला एक हर ऊपर रख, इसके ऊपर एक के ऊपर एक रखते हैं, और उसके बाद चेक करेंगे, ठीक है। ये हम लोग दोनों मॉनिटर रख दिए एक के ऊपर एक, थोड़ा सा इसे मोड़े रहा, गिरी थोड़े बजी था। ये देखो तो ऐसा हम लोग रखे हैं। हाँ चल, एम्पलीफायर मतलब निकाल। तो दो असेंबल स्पीकर, बाकी HF वगैरह है। ये देखो सो गाइस, यहाँ पे हम लोग BL7 लगाए हैं, और यहाँ पे लगा है सुपर एक्स प्रो बेरिंगर का, और एक DSP है। DSP में चेक नहीं करेंगे हम लोग, सिर्फ अभी इसमें चेक करेंगे, क्या बोलते हैं, बेरिंगर में, ठीक है।
तो चलो अभी चेक करते हैं, बैरिंगर में चेक करेंगे अभी, ठीक है। तो ये हमारा बैरिंगर और इसमें अभी चेक करने वाले हैं, इधर दो मॉनिटर का वायरिंग हो रहा है। वायरिंग होने के बाद हम लोग चालू करते हैं, एक मिक्सर लगाएंगे, दो तीन गाना चेक करेंगे, आपको साउंड चेक सुनाएंगे और आप लोग क्वालिटी बताना, ठीक है। सो गाइस, यहाँ पे सारा कनेक्शन हो चुका है और यहाँ पे हम लोग पूरा कनेक्शन हम लोगों का इधर लग चुका है, दो मॉनिटर लग चुका है और अभी साउंड चेक करते हैं। चल चालू कर रहे, पीड़ित के अगला सुलगाए के